हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपने छोटे बच्चों के लिए वन पीस में गाउन कैसे बनाए, बहुत ही प्यारी। तो देखिए, मैंने ये इस तरह से कपड़ा लिया है, बिल्कुल प्लेन रहेगा हमारा, और इसमें हम वन पीस में बनाएंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से बनाएंगे, उसकी कटिंग कैसे होगी वन पीस में। तो देखिये, ये हमारा कपड़ा है, ये हमारा फोल्ड फोल्डिंग हमने फोल्ड कर रखा था ये, तो आप देख सकते हैं। ये हमारा हल्का सा क्रॉस में भी है, देखिए इस तरह से। इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया हमने, एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह से हम, तो आप देख सकते हैं हमारा हल्का सा क्रॉस में नीचे से। तो इसको हमने इस तरह से फोर फोल्डिंग में फोल्ड कर लिया है। तो देखिए इस तरह से, अब मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बताती हूँ। तो देखिए, इसकी जो लंबाई ली हमने 22 इंच ली है, तैयार में हमारी 20 इंच आएगी, क्योंकि नीचे फोल्ड चाहिए और ऊपर में हमारी सिलाई में जाएगा ये। तो देखिए, शोल्डर से 5 इंच ले लेते हैं, क्योंकि हमें बच्चे के बना रहे हैं, और उसके आम गोल में हम 5 इंच लेंगे। और देखिए, ये हमें तैयार में हमें इस तरह से 7 इंच लेंगे, और इसमें हम मार्जिन ले लेते हैं 2 इंच, थोड़ा सा लूज या टाइट हुआ तो हम इसे सही कर सकते हैं। और यहाँ पे हम 1 इंच ले देंगे, देखिए इस तरह से। अब यहां से हम इसको बिल्कुल क्रॉस में रखेंगे इस तरह से, देख सकते हैं इस तरह से, शोल्डर से 2 इंच। और देखिए, इसकी जो लंबाई लेंगे नेक की, वो इस तरह से 3 इंच लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब इसमें हम सेम डाफर की लाइनिंग भी कट कर लेते हैं। देखिए, सेम डाफर की हमने लाइनिंग भी कट कर लिया है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से। और इसमें हम इस तरह से बैक साइड एक छोटा सा कट देंगे, बिल्कुल बीच बीच में। देखिए इस तरह से इतना कर देंगे, जिससे कि पहनने में कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चे को। तो यहाँ पे हम इस तरह से पट्टी लगाते हुए फिर इसमें चटकनी लगा देंगे। बाकी का मैथड आपको स्टिच में बताऊंगी। अब देखिए, हमने नीचे इस तरह सीधा रखा है गाउन, इसके ऊपर हम इसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे, और पूरे नेक पे हम सिलाई करेंगे, और यहाँ पे शोल्डर पे भी हम सिलाई कर देंगे। देखिए, इस तरह से मैंने सिलाई कर दी, इसे पलट देंगे हम। तो देखिए इस तरह से, और इसके ऊपर भी हम सिलाई कर लेते हैं पूरे पे। देखिए इस तरह से हमें पूरी फिनिशिंग मिलती है, और अपन ऊपर भी सिलाई करती है। देखिए, हम बैक साइड का तैयार करेंगे, सेम हमने जैसे कि फ्रंट तक किया है, आर्म होल पे पूरे पे सिलाई करेंगे, नेक पे सिलाई करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे इस तरह से पूरे पे नीचे तक ले जाते हुए इस तरह से फिर पूरे पे सिलाई करेंगे हम।
देखिए इस तरह से हमने ये तैयार कर लिया नेक। देखिए हमने पट्टी ली है, इसके हम 2.5 इंच चौड़ी पट्टी कट करेंगे। देखिए इसकी जो लंबाई लेंगे वो भी हम 2.5 इंच लेंगे। देखिए इस तरह से हमने कट कर लिए, इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ पे फोल्ड करेंगे, नीचे ही फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से हम इसे पूरा सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने तैयार कर लिए चार लूप। अब देखिए यहां से हम 10 इंच पे निशान लगा लेते हैं। और देखिए यहाँ पे हम इस तरह से ये लगा देंगे, जैसे कि इसमें हम डोरी डाल देंगे पूरे में। इस तरह से मैंने फ्रंट में भी लगा दिए और मैंने बैक में भी लगा दिया। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। देखिए हमने शोल्डर जॉइंट कर लिया और इसमें फिटिंग देंगे हम। देखिए इस तरह से मैंने फिटिंग दे दी। अब नीचे थोड़ा सा हमारा आगे पीछे हुआ था उसे भी हमने इक्वल कट कर लिया है और इसे हम इस तरह से अंदर की साइड बहुत ही थोड़ा थोड़ा इस तरह से फोल्ड कर देंगे हम। इस तरह से मैंने फिनिशिंग दे दी नीचे। तरह से हमारी पूरी गाउन कंप्लीट हो गई। हमने नीचे फिनिशिंग भी दे दी और देखिए साइड में फिटिंग भी दे दी, नेक पे फिनिशिंग दी, आर्म होल भी फिनिशिंग दे दी। और देखिए हमने इस तरह से ये लुक लगा दिए और इसमें हमने पीछे डोरी डाल दी है। इस तरह से लुक आएगा हमारा, बहुत ही प्यारा लुक आता है। और देखिए मैं आपको बैक साइड का लुक दिखा देती हूँ। तो देखिए ये हमारा बैक साइड का लुक है, तो इसमें मैंने 2 चटकनी लगा दी है इस तरह से, यहाँ पे इसे ओपन और बंद करने के लिए इस तरह से। देख सकते कितना प्यारा लुक आ रहा है हमारा बैक साइड का भी। तो आप इस तरह से ये सुंदर सा गाउन बना सकते हैं। और देखिए मैंने इसके ऊपर के लिए कोटी बनाई है ब्लू कलर में, सेम जो मैंने डोरी डाली है। तो देखिए ये हमारी कोटी है इसकी, और देखिए ये हमारी इस तरह से इसके ऊपर कोटी आएगी है। और मैंने इसकी भी वीडियो बनाई है, आप मेरे यूट्यूब पे देख सकते हैं, या फिर मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां पर भी क्लिक करके इसकी कोटी की वीडियो देख सकते हैं। तो आप इस तरह से ये सुंदर सी पूरी गाउन बना सकते हैं कोटी के साथ, बहुत ही प्यारा लुक आता है, एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को ये वीडियो कैसी